हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए और कुछ एमसीक्यूज लेके आए हैं इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर को बेस करके। यहाँ पे सेम रूल है, हर क्वेश्चन 30 सेकंड्स के लिए आपके स्क्रीन में अवेलेबल रहेगा। उसी 30 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का आंसर अटेंड करना है, फिर वो क्वेश्चन चला जाएगा और उसका आंसर आ जाएगा। फिर आपको चेक करना है उस क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत है। ऐसे ही 10 क्वेश्चन आपको इस सेशन में मिलेंगे। 10 क्वेश्चन अटेंड करने के बाद आपको बताना है कि 10 में से आपका कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ। इस सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है, www stands for, www का फुल फॉर्म क्या है? चार ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जल्दी सिलेक्ट कीजिए। टाइम खत्म हो चुका है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी। www का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वायरलेस वेव। अगर आपका आंसर सही है तो 1 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए, गलत है तो 0 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ी ही देर में आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो जाएगा। उस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए रेडी रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, NMT stands for, NMT का फुल फॉर्म क्या है? चार ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जल्दी सिलेक्ट कीजिए। NMT का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी सिलेक्ट कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। टाइम खत्म हो चुका है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी। NMT का फुल फॉर्म है नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोन। अगर आपका आंसर सही है तो 1 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए, गलत है तो 0 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ी ही देर में आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो जाएगा। उस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए रेडी रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है, TACS stands for, टैक्स का फुल फॉर्म क्या है? चार ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जल्दी सिलेक्ट कीजिए। टाइम खत्म हो चुका है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर आपका आंसर सही है तो 1 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए, गलत है तो 0 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ी ही देर में आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो जाएगा। उस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए रेडी रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, NSL stands for, NSL का फुल फॉर्म क्या है? चार ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जल्दी सिलेक्ट कीजिए। टाइम खत्म हो चुका है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, NSL का फुल फॉर्म है नेटवर्क सॉकेट लेयर। अगर आपका आंसर सही है तो 1 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए, गलत है तो 0 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ी ही देर में आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो जाएगा। उस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए रेडी रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है, MIT stands for, MIT का फुल फॉर्म क्या है? चार ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जल्दी सिलेक्ट कीजिए।
टाइम खत्म हो चुका है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी। MIT का फुल फॉर्म है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आपका आंसर सही है तो 1 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए, गलत है तो 0 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ी ही देर में आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो जाएगा, उस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए रेडी रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है NRL stands for, NRL का फुल फॉर्म क्या है? चार ऑप्शंस यहां पे आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जल्दी सेलेक्ट कीजिए। टाइम खत्म हो चुका है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एनआरएल का फुल फॉर्म है नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी। अगर आपका आंसर सही है तो 1 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए, गलत है तो 0 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ी ही देर में आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो जाएगा, उस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए रेडी रहिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है XML stands for, XML का फुल फॉर्म क्या है? चार ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जल्दी सिलेक्ट कीजिए। टाइम खत्म हो चुका है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, XML का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अगर आपका आंसर सही है तो 1 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए, गलत है तो 0 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ी ही देर में आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो जाएगा, उस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए रेडी रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 है XUL stands for, XUL का फुल फॉर्म क्या है? चार ऑप्शंस यहां पे आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जल्दी सेलेक्ट कीजिए। टाइम खत्म हो चुका है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, XUL का फुल फॉर्म है XML यूजर इंटरफेस लैंग्वेज। अगर आपका आंसर सही है तो 1 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए, गलत है तो 0 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ी ही देर में आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो जाएगा, उस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए रेडी रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है CCTLD stands for, CCTLD का फुल फॉर्म क्या है? चार ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, टाइम खत्म हो चुका है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CCTLD का फुल फॉर्म है कंट्री कोड टॉपलेवल डोमेन। अगर आपके आंसर सही है तो 1 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए, गलत है तो 0 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेशन का जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ी ही देर में आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो जाएगा, उस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए रेडी रहिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 है GTLD stands for, GTLD का फुल फॉर्म क्या है? चार ऑप्शंस यहां पे आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जल्दी सेलेक्ट कीजिए।
टाइम खत्म हो चुका है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, GTLD का फुल फॉर्म है जेनरिक टॉप लेवल डोमेन। अगर आपका आंसर सही है तो 1 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए, गलत है तो 0 पॉइंट के हिसाब से काउंट कीजिए। इस सेशन का सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, तो 10 में से आपका कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ काउंट कीजिए और काउंट करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम जान सकें आपका 10 में से कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ। फिर अगले सेशन में ऐसे और कुछ MCQs हम आपके प्रैक्टिस के लिए लेके आएंगे, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।